तो गाइज ये सिंपल से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे सिर्फ एक या दो एडजस्टमेंट्स करके हम अपने मार्केट के शॉर्ट स्ट्रैडल की रेंज को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं, एक डबल स्ट्रैडल क्रिएट करके अपने मार्केट की रेंज को बढ़ा सकते हैं और अपने ब्रेक इवन पॉइंट्स को दूर खींच सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो गाइज मेरे वीडियोस को लाइक करो। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी की एक सिंपल सी स्ट्रैडल पोजिशन क्रिएट की है 10 दिन आगे की एक्सपायरी की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें अराउंड 400 पॉइंट्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 350 पॉइंट्स, तो अराउंड 750 पॉइंट हमें यहाँ पे स्ट्रैडल की रेंज मिल रही है। तो 750 पॉइंट ऊपर की तरफ और 750 पॉइंट नीचे की तरफ, तो हमें 1500 पॉइंट यहाँ पे स्ट्रैडल की रेंज मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे एक ब्रेक इवन भी चेक करते हैं तो 43456 माइनस 44943, तो आप देख सकते हो अराउंड 1500 पॉइंट की रेंज हमें मिल रही है एक ओरिजिनल स्ट्रैडल क्रिएट करने पे। हम इस वीडियो में एक सिंपल सा डबल स्ट्रैडल क्रिएट करेंगे। तो डबल स्ट्रैडल क्रिएट करने के लिए पहले आपको एट द मनी के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन पे बाय पोजीशन बनानी है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे हम एक सिंपल सा लॉन्ग स्ट्रैडल बनाए, ठीक है। तो आपको सेल नहीं करना है, आपको बाय करना है। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कितने रुपीज स्पेंड किए। हमने यहाँ पे कॉल में 400 रुपीज स्पेंड किए हैं और पुट में अराउंड 350 रुपीज स्पेंड किए हैं। तो हम ये जो हमने अमाउंट स्पेंड किया है उसे रिकवर करने के लिए हम सिंपल जाके 200 रुपए का दो लॉट का कॉल ऑप्शन बेचेंगे और अराउंड 170 से 180 का अराउंड दो लॉट का पुट ऑप्शन बेचेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे हमारी पोजीशन कैसे बनती है। तो हम 200 की कॉल ऑप्शन पे एक सेल पोजीशन बनाएंगे दो लॉट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे दो लॉट कॉल ऑप्शन बेचे हैं जिनकी वैल्यू करीबन 200 है, और हम नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे 170 के अराउंड हम दो लॉट पुट ऑप्शन सेल करेंगे, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो एक सिंपल सा डबल स्ट्रैडल हमारा क्रिएट हो चुका है। पहले हमारा नॉर्मल स्ट्रैडल ऐसे था, अब हमारा एक डबल स्ट्रैडल क्रिएट हो चुका है। अब हम अपनी इसकी रेंज देखते हैं, तो हमारा यहाँ पे रेंज है 43173 से लेके 45026। तो आप देख सकते हो 1850 पॉइंट की रेंज, 1800 पॉइंट की रेंज हमने यहाँ बना ली है। और अगर किसी तरीके से आपको और रेंज बढ़ानी है अपनी, तो हम इसे अपना थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं पुट ऑप्शंस को ऊपर या नीचे। तो आप देखोगे यहाँ पर आपका कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की रेंज घटती बढ़ती रहेगी, और आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ऑप्शंस बिल्डर में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके हम अपने मार्केट की रेंज को भी बढ़ा सकते हैं। तो देखो हमने थोड़ा सा यहाँ पे पुट को अंदर शिफ्ट किया और कॉल को थोड़ा हम दूर ले गए। तो अब अगर हम अपनी ओरिजिनल ब्रेक इवन देखते हैं तो 43200 से लेके 45200 तक, तो अराउंड 2000 पॉइंट की रेंज अब हमारी बन जा रही है। तो आप देख सकते हो 1800 से लेके 2000 पॉइंट तक की रेंज हम बना सकते हैं अपनी बैंक निफ्टी की शॉर्ट स्ट्रैडल में। हमने डबल स्ट्रैडल क्रिएट कर लिया यहाँ पे और अपने मार्केट की रेंज बढ़ा दी, और हम इसे एडजस्ट तब करेंगे जब मार्केट इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आ जाए। तो हमारे बेचे हुए ऑप्शंस के पास अगर मार्केट आ जाती है, तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इस पॉइंट पे आ जाए तो अपने सारे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके आप एक फ्रेश डबल स्ट्रैडल इस रेट पे बनाओगे। ऑलराइट, तो अगर मार्केट इस पॉइंट पे आ जाए तो आप अपनी सारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो और यहाँ पे इस पॉइंट पे अपनी एक डबल स्ट्रैडल क्रिएट कर लो, और अगर मार्केट इस पॉइंट पे आ जाए तो आप सारे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके ऐसे डबल स्ट्रैडल आप इस पोजीशन पे कर सकते हो। आपने सीखा है इस वीडियो में कैसे हमने अराउंड 1400 पॉइंट की रेंज को करीबन 50% बढ़ा के 2000 पॉइंट तक इंक्रीज कर दिया। अगर आप नोटिस करोगे जब आप ओरिजिनल शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है प्रॉफिट करने की अराउंड 50% रहती है, इस डबल स्ट्रैडल में आपकी प्रोबेबिलिटी है 66% पैसे कमाने की। तो अब अराउंड 15% प्रोबेबिलिटी आपने बढ़ा दी अपने पैसे कमाने की, और ये डबल स्ट्रैडल से आपने मार्केट की रेंज बढ़ा दी है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।